देश कईयों की तपस्या से आगे बढ़ा है, सब सरकारों के योगदान से आगे बढ़ा है। हां, शिकायत ये होती है कि अपेक्षा से कहीं कम हुआ तो शिकायत, वो लोकतंत्र में शिकायत का हक सबका होता है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि पुरानी सरकारों ने कुछ नहीं किया, ये कोई नहीं कह सकता, कह भी नहीं सकते। और इसलिए ये सभी, और ये मैं लाल किले पर से बोला हूं, मैं आज नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ये मेरा कन्विक्शन है। और ये देश हम ये भी ना भूलें कि राजा महाराजाओं ने, सत्ताधीशों ने देश नहीं बनाया है, यह देश कोटि कोटि जनों ने बनाया है, जन जन ने बनाया है, श्रमिकों ने बनाया है, किसानों ने बनाया है, गरीबों ने अपने पसीने से बनाया है। संविधान के अंदर भी सबकी भूमिका रही है। और उस समय जिनके नेतृत्व में देश चलता था उनकी विशेष भूमिका रही है। और इसलिए इतना उत्तम संविधान जो हमें मिला है, इसकी हम जितनी सराहना करें उतनी कम है, हम जितना गौरव करें उतना कम है। और अगर संविधान को सरल भाषा में अगर मुझे कहना है तो हमारा संविधान डिग्निटी फॉर इंडियन एंड यूनिटी फॉर इंडिया, इस दो मूल मंत्र को साकार करता है, जन सामान्य की डिग्निटी और देश की एकता अखंडितता। बाबा साहब आंबेडकर की भूमिका को हम कभी भी नकार नहीं सकते। बाबा साहब आंबेडकर की बात करते हैं तो औरों के लिए कोई काम नहीं होता है, लेकिन एक का नाम देंगे तो दूसरे का रह जाता, दूसरे का कहते तीसरे का रहा, हर एक को लगेगा भाई हमारा भी तो योगदान था। और कुछ लोगों ने तो जीवन में इतनी ऊंचाइयां पाई हैं कि कोई उनका नाम दे या ना दे, उनके नाम को कभी कमी नहीं हो सकती, कोई उनको मिटा नहीं सकता है। सदन के अंदर ही संविधान सीमित हो जाए या सरकार को चलाने का एक डॉक्यूमेंट बन जाए तो मैं समझता हूं लोकतंत्र की जड़ों को जो सिंचित करने का हमारा प्रयास है उसमें कमी रहेगी। और इसलिए भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए संविधान की भावना और संविधान के सामर्थ्य को जन जन तक परिचित करवाना यह हमारा दायित्व तो बनता है। और मैं मानता हूं जिन जिन महापुरुषों ने योगदान किया है उन सबका उल्लेख करते हुए हमने इस बात को करना होगा। अगर किसी को इस सरकार पर प्रहार करना है तो भी कोटेशन बाबा साहब का काम आता है, किसी को अपने बचाव के लिए उपयोग करना है तो भी कोटेशन बाबा साहब का काम आता है, किसी को अपनी न्यूट्रल बात बतानी है तो भी कोटेशन बाबा साहब का काम आता है। इसका मतलब उस महापुरुष में कितनी दीर्घ दृष्टि थी, कितना विजन था, कितने व्यापक फलक पर उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया था कि जो आज भी विरोध करने के लिए भी वो मार्गदर्शक हैं, शासन चलाने वाले के लिए भी मार्गदर्शक है, न्यूट्रल मुख रक्षक बैठे हुए लोगों के लिए तोड़ने के लिए भी मार्गदर्शक है। ये अपने आप में एक बड़ा अजूबा है। कभी कभी हम लोगों को लगता है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें धाराएं हैं, जिन धाराओं से हमें क्या करना क्या नहीं करना उसका रास्ता खोजता है।